दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। पहली अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसमें जो है कि प्रधानाचार्य के जो है आधे से ज़्यादा पद रिक्त हैं और चयन आयोग की जो प्रतीक्षा, मतलब क्या चयन बोर्ड अभी बन के तैयार नहीं है, नया आयोग बन के जो है हमें बताया गया, इसमें जो है कि सभी विभागों को रिक्त पदों का जो है ब्यौरा जुटाकर उसी पर जो है भर्ती प्रक्रिया तेज कर देनी चाहिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिए हैं कि जो है बहुत से जल्द, कल का फॉर्म आपने देख ही लिया होगा, जल्द से जल्द बोला गया माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत जो है प्रधानाचार्य भर्ती अटकी हुई है, साथ में जब ये भर्ती होगी तभी जो है बाबू और चपरासी भर्ती कराई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया इसमें जो कि अभी जो है नया शिक्षक सेवा चयन आयोग अस्तित्व में जो है अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब नहीं आया हुआ तो प्रतीक्षा में कम से कम जो है 331 एडेड महाविद्यालय हैं, तो यहाँ पे इनको भर्तियाँ बहुत जल्द कराई जाएंगी। एडेड कॉलेज के अंतर्गत टीचर की भर्ती अटकी पड़ी है, ये भी नए आयोग से कराई जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज में जो है प्रवक्ता 22 प्रवक्ता मिल चुके हैं, ये इसमें बोला गया है कि इसमें जो है कि राजकीय इंटर कॉलेज को जो है मिले 22 प्रवक्ता। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त कर दिया गया है। इसमें जो है बात हो रही है मंगलवार को खान निरीक्षक भर्ती में जो है चयनित अभ्यर्थी विश्वकर्मा सिंह का जो है वो चयन जो EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उनके कारण से निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो इनको जो बाहर कर दिया गया है ये, और इसमें बताया गया इसमें राजकीय इंटर कॉलेज में जो है प्रवक्ता पद के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे तो शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो OMR sheet जो है जल्द अपलोड होगी। बात हो रही है जो शिक्षकों की जो अपलोड होगी वो OMR sheet वो कौन सी है वो देख लीजिए। BPSC की ओर से जो है शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जो है जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे और आयोग की वेबसाइट पर शिक्षक अभ्यर्थियों की OMR sheet भी जो है वो जारी कर दी गई है। और एक खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आ चुकी है कि लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए जो है 6593 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये तो ये जो है इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के जो है 54 और विभिन्न विषयों के जो प्रोफेसर 27 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं मंगलवार से, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो है 26 अक्टूबर से OTR जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, यहाँ पर भी आप ये कर दीजिएगा। बात करेंगे इसमें 2000 के नोट, मैंने आपसे बोला था अपनी वीडियो के माध्यम 2000 के नोट चलाए गए हैं तो ये तो एक ना एक दिन बंद होने हैं। और यहाँ पर देखो 2000 के नोट जमा करने के लिए जो है ओनली 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 30 सितंबर तक इसमें आवेदन, इसमें जो है आपके पास 2000 के नोट हैं तो जमा कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो अभी तक जो है 30 जो सितंबर को अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने को का कोई निर्देश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया गया तो आपके पास 2000 का नोट है तो प्लीज़ इसको जो है ये जमा कर दीजिएगा। अब तक जो है 2200 करोड़ रुपये जमा हो चुका है ये। साथ में इसमें बताया गया कि 81 पदों पर जो है भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये बात हो रही होम्योपैथिक चिकित्सा की तो इसमें भी जो आवेदन शुरू हो चुके हैं यहाँ पर भी है। तो जो स्टार्ट हो चुके हैं तो इसमें जो है 54 और 27 ये भर्तियाँ इसमें होंगी। आपने देखा होगा जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ देता हूँ वीडियो के माध्यम से। ये देख लीजिए यहाँ पर बताया गया इसमें जो प्योन की भर्ती कहाँ से निकली है, हाथरस से। अंतिम तिथि क्या, 3 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, ठीक है। 2 नए जिलों से चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका, हाथरस और कासगंज, ठीक है। ये अलीगढ़ मंडल में आते हैं ये, और यहाँ पर लिखा हुआ इसमें जो है ये अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त में चतुर्थी कर्मचारियों की भर्ती के लिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। अगर आपने आवेदन नहीं करा तो कर दीजिएगा। इसमें चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, यहाँ 30 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। 11,000 रुपये इसमें जो है आपको सैलरी मिलेगी। इसमें चपरासी भर्ती में 11,000 सैलरी कर दी गई है, और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है, वहीं पर यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती जो आई है वह कासगंज जिले से आई है, यहाँ पर प्योन की भर्ती, और 3 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बार जो है आपको चपरासी भर्ती में जो है 11,000 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी, और 3 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। कासगंज से भर्ती आई है, साथ में हाथरस और कासगंज 2 जिलों से जो भर्ती आ चुकी है। साथ में जो इसमें बताया गया इसमें जो है कि आपको चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ये सब भर्तियाँ इसमें कराई जाएंगी। मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर गया तो यहाँ से मैंने इसका डाउनलोड कर लिया प्रोफार्मा, इसका प्योन का और साथ में माध्यमिक शिक्षा विभाग का। 3 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, देख सकते हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना, आवेदन जो है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहीं से जाके ये वाला फॉर्म आप ये
भर सकते हैं। ये 99 इसके अंदर पोस्ट बताई गई हैं, इंटरमीडिएट मांगा गया है इसमें। और जो उत्तर प्रदेश के जो है हाथरस और कासगंज दो जिलों से जो है चपरासी भर्ती आ चुकी है। अब की बार सैलरी इसमें आपको मिलेगी 11,049 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। तो यदि आप जो अलीगढ़ के आसपास रहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये सफाई कर्मचारी हो गया, चौकीदार हो गया और चपरासी, ये तीनों पदों पर विज्ञापन आ चुका है। ये साथ में जो जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव 13 अक्टूबर को कराया जाएगा, कोर्ट ने आदेश कर दिए गए हैं। ये जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाई दिया है कि इसमें जो 7 तारीख से जो 7 अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी, तो मैं नहीं बोलता, ये अखबार बोलता है, ठीक है। तो 7 अक्टूबर से जो आचार संहिता लगेगी और 29 नवंबर को होगा मतदान। तो ये बात हो रही है इसमें जो है, इसमें विधानसभा के अंतर्गत है मध्य प्रदेश में, MP में चुनाव होंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है, ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर जारी कर दिया कि संभावित इसमें तिथि भी घोषणा कर दी गई है। तो आपने जब जैसा थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 7 अक्टूबर आचार संहिता लग जाएगी। और जो है न्यूज़ देने वाले जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी दोपहर में, दोपहर का वीडियो आप देख लीजिए मेरा, मैंने स्पष्ट आपको बता दिया था इतने पदों पर भर्ती आपकी आएगी, ठीक है। और दोपहर का छोड़िएगा, सुबह के वीडियो में भी मैंने ये दिखा दिया, जब सब ने मेरा वीडियो देखा तो वहीं से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके जो है जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो न्यूज़ देते हैं उन्होंने जो है उस तरीके से बता दिया कि चपरासी भर्ती आउटसोर्सिंग से कराई जाएगी, यहाँ पर जो है ये प्रधानाचार्य भर्ती होगी और ये होगी, ठीक है। तो मेरी देखा दोनों इन्होंने भी डाउनलोड कर लिया, सुबह का वीडियो में मैंने स्पष्ट दिखा दिया था, उनको जो है शाम को इन्फॉर्मेशन आई उनके पास, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जो हूँ इलाहाबाद से कनेक्ट हूँ और सीधे इन्फॉर्मेशन आयोग से लेता हूँ ये मैं। तो जो है यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से भर्तियाँ बहुत जल्द आएंगी, मध्य शिक्षक विभाग की तरफ से जो है ये, और यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं प्रधान अध्यापक, और यहाँ पर ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। साथ में जो है लिपिक की भर्ती इंटर कॉलेज में होगी। अब लिपिक की भर्ती जो पुरानी वाली है ये कैसे होगी, पुरानी वाली अभी केवल और केवल टाइपिंग अभी जो है आपका रह गया है, कुछ का आपका टाइपिंग अब हो चुका है। साथ में इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट का इंटरव्यू कराया जाएगा बस केवल, और कुछ नहीं होने वाला है। और हो सकता है, सुनने में मेरा ये आया है कि जब 15 अक्टूबर तक जो है एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट आपको 15 अक्टूबर तक जो है क्लर्क जो पुरानी वाली भर्ती है इसको खुशखबरी आपको मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। बात करते हैं कमेंटों की, तो यहाँ पर बताया गया ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, ये वाला वीडियो जो है इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आउटसोर्सिंग चपरासी का जो है नया जो इसका जॉइनिंग कब तक होगा सर बलिया का, अभी जो कहने मतलब क्या, केवल जॉइनिंग लेटर बचा हुआ, इंटरव्यू आपके हो चुके हैं और 6 जून 2023 को जो कंपनी के द्वारा जो है इसमें कंसल्टेंसी के लिए बोला गया, तो इनका हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें जो है। ये कमेंट के माध्यम से बता रहा हूँ मैं सर, आप जो माध्यमिक विद्यालय में सरकारी चपरासी भर्ती आएगी नहीं, आप योगी जी ने मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल यूपी में बेरोजगारी 2017 से ही सुन रहे हैं और सभी खाली पदों को भरने के लिए बोला गया, 2024 में इलेक्शन है, कोई बात नहीं है, टेंशन पर मतलब ये हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।